क्या सचमुच द्रौपदी भी करना चाहती थी कर्ण से विवाह या नहीं? क्या वो कर्ण से प्रेम करती थी या नहीं? आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत की एक अनसुनी प्रेम कथा के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई को लेकर लड़ा गया था। अभी तक हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से महाभारत से जुड़ी अनेकों जानकारियां दी हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत की एक अनोखी प्रेम कहानी के बारे में। जी हाँ, द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी के बारे में। द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि इनका विवाह पांच पांडवों से हुआ था। कहा जाता है कि राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री की प्राप्ति एक यज्ञ द्वारा हुई थी। राजा द्रुपद ने कई सालों तक द्रौपदी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया था। द्रौपदी अत्यंत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक से कई राज्यों के राजा उन पर मुग्ध थे और द्रौपदी को दानवीर कर्ण से प्रेम था। महारथी कर्ण भी द्रौपदी के निडर स्वभाव को देखकर उन्हें पसंद करते थे। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने भीष्म से बदला लेने का प्रण लिया था, इसीलिए वह द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन से करना चाहते थे। यही कारण था कि द्रौपदी और दानवीर कर्ण कभी भी एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाए। जब राजा द्रुपद ने दासी द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर के लिए कई तस्वीरें उनके कक्ष में भिजवाई तो उनमें से एक चित्र दानवीर कर्ण का भी था। कर्ण दुर्योधन के परम मित्र थे, इसीलिए सभी उनका आदर सम्मान करते थे और उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह ही मानते थे। यही कारण था कि स्वयंवर में एक चित्र कर्ण का भी शामिल था। जब द्रौपदी ने कर्ण के चित्र को देखा तो वह मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी थी, परंतु कर्ण के सूत पुत्र होने की बात द्रौपदी नहीं जानती थी। अगर वह कर्ण से विवाह करती तो वह एक दासी के रूप में पहचानी जाती। द्रौपदी को अपने पिता के भीष्म पितामह से प्रतिशोध के बारे में पहले से ही ज्ञात था और कर्ण से विवाह के पश्चात वह अपने पिता के इस प्रतिशोध को पूरा करने में सहयोग नहीं कर पाती। इसी असमंजस भरी स्थिति के कारण द्रौपदी ने अपने दिल की सुनने की अपेक्षा अपने दिमाग की सुनी और स्वयंवर में कर्ण से विवाह ना करने की ठानी और अर्जुन को वर के रूप में चुना। स्वयंवर के दौरान द्रौपदी ने कठोर निश्चय किया, सभी के समक्ष कर्ण का अपमान करके कहा, तुम एक सूत पुत्र हो और मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी के ऐसे शब्द सुनकर कर्ण को आघात पहुंचा और इसके पश्चात कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर गई। द्रौपदी पांचों पांडवों से विवाह के पश्चात भी कर्ण को नहीं भुला पाई। द्रौपदी चीरहरण के समय कर्ण भी उस सभा में मौजूद थे, लेकिन स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा हुए अपमान के कारण वो चुप रहे और उन्होंने उन्हें वैश्या भी कहा था। द्रौपदी ने भी आत्मग्लानि के कारण उनसे सहायता नहीं मांगी। वहीं जब भीष्म पितामह बाणों की मृत्युशैया पर लेटे थे तो कर्ण ने भीष्म पितामह के पास पहुंचकर उनसे द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने की बात बताई। कर्ण जब भीष्म पितामह से द्रौपदी के प्रति प्रेम की बात कर रहे थे तो उनकी इन बातों को द्रौपदी ने भी सुन लिया। इस तरह द्रौपदी को पता चला कि दानवीर कर्ण भी उनसे स्नेह करते थे। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।